पलायन करने को मजबूर है। ये रिपोर्ट देखिए। उन्नाव में उफान पर गंगा, कटान से लोगों में दहशत, एक एक कर गिरते जा रहे मकान, गंगा में कटान आफत में जान, गुस्से में गंगा। गंगा के रौद्र रूप की ये तस्वीरें उन्नाव जिले की हैं। गंगा इतने गुस्से में है कि एक एक कर सारे घर जमींदोज होते जा रहे हैं। कटान इतनी तेजी से हो रहा है कि लोग दहशत में आ गए हैं। दरअसल पश्चिम के बांधों से भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया है, जिससे गंगा में उफान आ गया है। शुक्लागंज के रविदास नगर मोहल्ले के सामने दो दिन से धीरे धीरे गंगा कटान कर रही है। देखते ही देखते एक एक कर सारे मकान गंगा में समाते जा रहे हैं, और जो बाकी बचे मकान हैं वो ठहरने की कगार पर हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने बोरी और बल्ली लगाकर कटान रोकने की कोशिश की है, लेकिन सारी कवायद बेकार हो गई। लोग दहशत में जी रहे हैं। गांव के ज्यादातर लोग पलायन कर चुके हैं या पलायन करने की तैयारी में हैं। कटान के चलते कोई भी प्रशासन का नुमाइंदा झांकने तक नहीं पहुंचा है अब तक। अगर ऐसे ही कटान होता रहा तो पास में बनी पानी की टंकी और पूरी की पूरी बस्ती गंगा में समा जाएगी। अब तस्वीरें आपको आगरा की दिखाते हैं। आगरा में चंबल नदी की तस्वीरें देखिए। देखिए कैसे पूरे शहर को चंबल ने अपनी आगोश में ले रखा है। जिधर देखो सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कोटा बैराज से छोड़ा गया 3,51,159 क्यूसेक पानी मंगलवार को बाह क्षेत्र में पहुंच गया। इतना ज्यादा पानी आने से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। 6 गांवों का रास्ता तहसील मुख्यालय से कट गया है। चंबल नदी में आफत आ जाने के बाद से गोहरा, रानीपुर, गुढ़ा, भटपुरा, भगवानपुरा और कछियारा गांव का मार्ग तहसील मुख्यालय के लिए बंद हो गया है। बाढ़ के पानी में घिरे 6 गांव टापू बन चुके हैं। यहां 3-3 किलोमीटर के दायरे में पानी भर गया है। इन गांव की बिजली काट दी गई है। फिलहाल प्रशासन की तरफ से राहत और बचाव का काम किया जा रहा है। भारत समाचार के लिए उन्नाव से अनुराज भारती और आगरा से सुमित अग्रवाल की रिपोर्ट। और खबर अब लखनऊ से, जहां पर बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशी संजय सेठ और